कौन भी मैया में दूध पिलाओ। रुक्मिणी बोली प्रभु मुझे भेज चलो। और रुक्मिणी का जाने के सपन है रो, वे तो जा जानते के जो कुछ है रो सो सब ठीक है रो। श्याम बोले नहीं, जब तेरे भैया को सादा सतपाल आ जाए दूल्हा बन के तो तू हमारे पास एक खत भेज देना। रुक्मिणी बोली मैं क्या कर सकती श्याम, मैं तो एक प्रकृति पक्षी की तरह तड़प रही हूं। इधर श्याम सुंदर समझाने लगे देवी घबराओ मती, अगर तुमने दिल से प्यार किया है तो तुम्हें ले जाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। यूं ही श्याम सुंदर सपने में वार्तालाप हो रहा है, जैसे ही रुक्मिणी जी की नींद जागी, जैसे ही नींद टूटी है उसी समय एकदम से श्याम, अरे कहाँ गए हो, अरे मेरे श्याम, अरे सोच नहीं दिया तू फिर से आ जा, मैं अभी सो रही थी तो हमारे श्याम पास में थे, तूने मेरे श्याम को कहीं छुपा दिया। अब तो रुक्मिणी जी भयभीत हो गई, घबराने लगी। रुक्मिणी बोली आज मैं समझ गई श्याम तुम बहुत बेदर्दी हो, अगर मेरे जाती मैंने तुमसे दिल लगाया लेकिन तुमने फिर भी इस हमारे प्रेम की कीमत नहीं समझी। रुक्मिणी जी रो करके बोली कि तूने दिला श्याम बेदर्दी है, कि तूने दिला श्याम बेदर्दी, मेरा दर्द न जान